হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইন্ডিয়ান ব্লগার তনুশ্রী পোড়েল। আজ সে মে আপনা ব্লগ স্টার্ট কর রই হু। আবি বাজি হ্যায় রাত কে 9, মে আপনা ডিনার রেডি কর রই হু, ক্যুকি মেরা হাবি সুবহ সিরফ ছাতু খোল কে খা কে চলা জাতা হ্যায়। লড়কি কে লিয়ে লুচি পরোঠা এসব বানাতি হু, লেকিন হাজবেন্ড নেই খাতি হ্যায়, উসকো ভাত খানা হ্যায় রাত মে। তো আজ মে থোড়া ইন্ডিয়ান ডিশ বানা রই হু, কুছ ডিলিসিয়াস। आइए मेरा खाना बनाने की प्रोसेस देखिए। इसको बंगाली में कहते हैं लाउ पाता, लाउ शागे पाता। हिंदी में इसको क्या बोलती है, कद्दू का लीफ, कद्दू लाउ उसका लीफ। इसको मैं आज फ्राई करूंगी और बनाऊंगी। मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा है परवल, परवल का क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में, इसको बोलते हैं परवल बाटा, माने पटल बाटा, इटा बनाबो। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परवल का पेस्ट, पेस्ट ऐसे कुछ बोलते हैं। हिंदी लोग ये खाते हैं क्या, ये भी मुझे मालूम नहीं। तो आज सुबह बना के रखी हूँ मैंने मटर कषा। तो मटर कषा, पटल बाटा और লাউ পাতা ভাজা, এই হ্যায় আজকে আমার ডিনার। চলিয়ে তো স্টার্ট করতি হু লাউ পাতা ভাজা। লাউ পাতা ভাজা করতে গেলে আমার লাগবে, ও সরি মুঝকো তো হিন্দি মে বললে হ্যায়, লাউ পাতা ভাজা করনে কে লিয়ে মুঝে চাইয়ে চিংড়ি মাছ, ইসকো ক্যা কহতে হ্যায় পড, হ্যাঁ চিংড়ি মাছ, পিয়াজ, অনিয়ন, থোড়া সা স্বাদ অনুসার সুগার আর যো যো লাগেগা দেখলে না। মানে স্টার্ট করু পেলে এই যে লাউ পাতা হ্যায় না, ইসকো সুবহ মানে নমক পানি মে এসে ভিগো দিয়া থা, উসকে বাদ শাম কো ইসকো উঠা কর মে টাওয়াল মে রাখ দিয়া গিয়ে সুখা করনে কে লিয়ে। সুখা হো জানে কে বাদ এসে হোগা, ই মানে বল বলনে ভুল গিয়া থা। अभी इसका प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। इसमें दिया ये जो चिंगड़ी माछ पॉन, इसको मैं इस तरह से कैची से छोटा छोटा पीस करके कट लिया, कट कर दिया। और दिया इसमें चॉप किया ऑनियन, सरसे बाटा, इसको क्या बोल, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स का पेस्ट, और पोस्तो बाटा। पोस्तो को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, बंगाली में हम लोग पोस्तो बोलते हैं। ऐसे मैं पेस्ट करके रख देती हूँ फ्रिज में। और दिया थोड़ा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा। अब मैं इसमें दिया स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से ऐसे मिला लूँ। अच्छी तरह से इसे मिला कर इसमें दूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा इस तरह इसको मिक्सी में हो सकता है, लेकिन मैं हाथ में इस तरह से इसको बना के रख। अब मैं इस पेस्ट को लाउ पत्ता के ऐसे अंदर इसको ऐसे दूंगी, देकर इस लाउ पत्ता को ऐसे 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 फोल्ड करके रख दूंगी। ओह सॉरी सॉरी, इसमें मैं तेल देना भूल गया। मस्टर्ड सीड्स जहाँ रहता है उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो उसका जो एक झाट सा एक सा फ्ले एक फ्लेवर आता है वो नहीं आएगा। इस तरह से मैं सबको फोल्ड कर दूंगा। आप देख रहे हैं मैं गैस में एक जगह पैन रख दी हूँ, एक कढ़ाई, बहुत रात हो गया इसलिए दोनों गैस मैं ऑन करके एक में कढ़ाई एक में पैन रख दी हूँ। अब कढ़ाई में मैं ये पैन का ऑयल जब तक गर्म होगा मैं कढ़ाई में थोड़ा
इसको बोलते हैं काला जीरा, कलौंजी, काला जीरा। इसको थोड़ा तेल में डाल रही हूँ। उसके बाद मैं दूंगी परवल का मैंने ऑलरेडी परवल का स्किन को रिमूव करके इसको मिक्सी में स्मूथ पेस्ट बना के रख दी थी, तो मैं पूरा ले दूंगी। अब इसमें मैं दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और दूंगी चॉप किया हुआ ऑनियन। चॉप किया हुआ ऑनियन और दूंगी दो तीन चार, ये जो मैं इस तरह से कच्चा लौंग का इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरी मिर्च को इस तरह से इसका मैं एक कंटेनर में फ्रिज में रख देती हूँ। इसमें मेरा काम करने में ज़्यादा जल्दी रहता है, तो इसलिए मैं पूरा वीक का जो प्लान है वो मैं फ्राइडे को बनाकर रख देती हूँ। जैसे कि ग्रीन लीव्स को, ग्रीन क्या बोलता है, काचा लौंग का, ग्रीन चिली का हरा मिर्च, इसका मैं इस तरह से इसको रिमूव करके अच्छे तरह से धो के सुखा कर रख देती हूँ। जो जो करना है पूरा वीक में वो मैं फ्राइडे की करके रख देती हूँ, क्योंकि पूरा वीक में मुझे अब टाइम नहीं मिलता है। मेरा बेटी छोटा है ना, उसको लेकर पढ़ने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के सारे कॉलिग्स लोग बोलते हैं कि आप इतना, आपका बीवी कुछ नहीं करता है, सिर्फ घूमता रहता है। मेरा हस्बैंड का सारे कॉलिग कहते हैं कि आपके बीवी कुछ काम हम नहीं करता है, सारा दिन सज के घूमता है। लेकिन नहीं, मैं अपने हाथ से सारा काम करती हूँ। मैं अपना एक प्लानिंग फ्राइडे को ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा बेटी का छुट्टी है, वो दो दिन उसको पढ़ाना पड़ता है, और पूरा वीक मुझे रिलैक्स होता है। मेरा वीक का जो प्लान है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा दूंगी शुगर, नमक स्वाद अनुसार, और ये लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं मैं पूरा वीक का लहसुन को पेस्ट बनाकर रख देती हूँ। अब दूंगी थोड़ा ये, अब गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके इसको होने दूंगी। और मैं इधर एक बैटर बना के रख दी। ये बेसन क्रैम फ्लोर, इसमें काला जीरा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और मैंने दिया इसमें नमक, और कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब ये जो मैंने इसको बना के रख दी, तो हाँ एक बात बोलना भूल गई थी, इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, हाँ इसको छोटा छोटा काट करके दिया था, और दिया था हरी मिर्च। अब इसको इस तरह से डो में ऐसे ऐसे कोट कर लेना है। कोट करने के बाद मेरा जो फ्राइंग पैन है, हाँ डो ज्यादा पतला मत बनाइएगा, एकदम गैस का फ्लेम धीमी कर दीजिए। धीरे धीरे इसको पकना पड़ेगा, तब इसके अंदर जो पॉन है वो भी पक जाएगा। इसी डाटी से रहेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मेरा हालत
इससे भी बुरा हालत है मेरा किचन का। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी है मेरा डिनर। अब है ये सब साफ करके इसके बाद आप लोगों से मीट करती हूँ। अभी मैं ये किचन थोड़ा क्लीन कर ली, क्योंकि ये जो हालत है ना, इस हालत में मैं खुद भी नहीं खा सकूँगी, किसी को खाना भी नहीं दे सकूँगी, क्योंकि ये थोड़ा मैं क्लीन कर लूँ। तो ये क्या हालत है, मेरे सीढ़ी का भी हालत देखिए। ये मैं थोड़ा क्लीन करके उसके बाद मैं आती हूँ थोड़े देर के बाद। देखिए इन लोगों का खाना रेडी है, अब मैं इन लोगों को खाने दूंगी। अब खाना देखे हम और मेरा प्रिंसेस दोनों खाएंगे, एक साथ सब बैठ के खाएंगे। तो अभी मैं आप सबको करती हूँ टाटा बाय बाय, गुड नाइट।